Thank you.
ऋषि कहते हैं, बोले प्रभु हम आपको बताएंगे रहने का, सब पहले आप हमको बताओ कि वो कौन सी जगह जहां पर आप रहते हैं। तब ऋषियों ने जो स्थान बताए प्रभु श्री राम को रहने के लिए, उसने एक स्थान बताया, वो स्वामी तुलसी दादी रामचरित मानस में लिखा, शिव जी भगवान महादेव जी उमा जी को बता रहे हैं, बोले कहां पर रहिए प्रभु रामचरित हमारा, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह करी नाना। तो भगवान श्री राम की अयोध्या वो है, भगवान श्री राम के रहने का स्थान वो है जिनके कर्ण समुद्र समान, जिनके समझियो हर समय हरि कथा सुनते रहते हैं, शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनते रहते हैं, उनके पवित्र है। एक बार अगर किराएदार घुस जाएगा निकलता नहीं है, दुनिया का साधन किराएदार नहीं निकलता। इतनी बड़ी फौज हम लोग आज गुरु जी के घर पर आए, आपने देखा गुरु जी ने सभी को, जैसे किसी के घर पर आते महाराज जी के महात्मा, स्वयं भगवान है उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दिया, वो तो नंदनरंजन कृष्ण नाथानी का भाव के प्रोग्राम हुआ, लेकिन जब हम लोग का अनंत दूर नहीं हो, रावण सब कुंभकर्ण जो है ना, जो राक्षस हमारा भीतर में बैठा है उसको हटाने पड़ेगा ना, हटाएगा कौन, दुर्नीति से बचाएगा कौन, दुर्नीति बचाएगा रामचंद्र, सब तो भगवान की भक्ति होगा, दुर्नीति है और असत मतलब है वहां पर भगवान के जाएगा। इसलिए महाप्रभु पहले किया राम राघव राम राघव राम राघव रक्षवान, इसलिए कहा दुनिया का जीवों का कल्याण करिए उनको बुलाओ, तुम्हारा भीतर से दूर रीति चला जाएगा, फिर कृष्ण के जब कृष्ण के जब कृष्ण के जब पाई मां, तब कृष्ण के जब जो प्रेम आए वो तुम्हारा हृदय में प्रकाशित होगा। इसलिए आज तो वही दीपान्विता है, रामचंद्र पुष्प विमान में लंका जय करने का बाद वहां से सीता देवी को लेके सुग्रीवी सब लक्ष्मण को लेके विमान के बाद आ गया, हम लोग बहुत विमान कहा है, विमान पुष्प विमान में आज अयोध्या धाम जो तो अयोध्या धाम का सब कुछ होगा, प्राण सभी का प्राण कौन है, भगवान है प्राण, भगवान है प्राण। आउट किया सजावट किया, गेट तैयार किया सुंदर सुंदर गेट, और दीप दीप जला के उनको स्वागत किया, ये दीपावली है लेकिन फोमावली नहीं, वो शास्त्र में नहीं लिखा, अभी तो फोमा के करके रेखा मारता है, बाद में हो गया, उस वक्त नहीं था, उस वक्त दीपावली दीपावली साथ में उस आनंद से प्रसाद भजन यहां से मतलब क्या देगा, आज की तिथि दीपावली की तिथि की महिमा और उस दुर्नीति से बताएंगे बचाएंगे हमको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रभु श्री राम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने संकीर्तन आगे चलेगा, उससे पहले थोड़ा सा प्रसाद वितरण, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। बालकृष्ण जी का भाग घर जो बड़ा उदार है, आपको प्रसाद तक नहीं जाना पड़ेगा, प्रसाद आप तक पहुंचेगा, आप अपने स्थान पर रहेंगे। ओ राम 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 सीता राम 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 राम
इधर जाइए।